नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां लालू यादव के खिलाफ में निगरानी थाने में नया एफआईआर लॉन्च किया गया है। बीजेपी के विधायक ललन पासवान की तरफ से ये एफआईआर लॉन्च की गई है, जिसमें ललन पासवान ने लालू यादव के ऊपर में कई संगीन आरोप लगाए हैं। दरअसल ललन पासवान को ही लालू यादव ने फ़ोन किया था, जिसका ऑडियो ललन पासवान की तरफ से सार्वजनिक किया गया। उस ऑडियो में साफ इस बात का जिक्र होता नजर आता है कि लालू यादव ने जो है वो मंत्री बनाने के लिए प्रलोभन दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। लिहाजा इन तमाम जो बिंदु हैं, इनको लेकर के एफआईआर जो है वो लॉन्च कराई गई है। ललन पासवान ने निगरानी थाने में जो एफआईआर लॉन्च कराई है, उस पर सुशील मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में अंग्रेजी में लिखा है कि ललन पासवान लॉज्ड एफआईआर इन विजिलेंस थाना पटना अगेंस्ट लालू प्रसाद अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट for making telephone calls from custody and offering ministerial berth which amounts to bring an alleging a public servant। ये इसमें कहने की कोशिश हुई, यानी कि ललन पासवान जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने पटना के विजिलेंस थाने में एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो है, भ्रष्टाचार निवारण जो कानून है, जो प्रावधान है, उसके तहत जो है ये एफआईआर कराई गई है, जिसमें लालू यादव पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने फ़ोन कॉल करके, क्योंकि वो खुद जेल के अंदर हैं एक तरीके से, तो जेल के अंदर से फ़ोन करके मंत्री का पद ऑफर करने के मामले पर जो है ये इन्होंने आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। पहले सुनिए क्या कुछ कहना है ललन पासवान, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, जिन्होंने खुलासा किया कि लालू यादव ने उन्हें फ़ोन किया था। पार्टी अपने साथ खड़ी है, पार्टी सरकार से हमारे साथ। सर, क्या आपने अभी एक एफआईआर दर्ज कराया है निगरानी ब्यूरो में? क्या है पूरा मामला, क्यों कराया आपने? देखिए, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, मेरे जो होता है पब्लिक सर्वेंट होता है जी, और वो पब्लिक सर्वेंट को प्रलोभन देना, भगलाना उसको, उसके अपने कर्तव्यों से उसको करने से रोकना, ये सब करप्शन का मामला है। ये प्रिवेंशन करप्शन एक आता है, उसके तहत हमने निगरानी शिकायत की है। किसकी शिकायत की? लालू जी की। लालू जी की मेरी बात उनसे हुई है, वो टेलीफोन पर वो थे, सफारी फॉर्म से क्या कहा वहाँ थाने में आप? थाने के एफआईआर उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार किया है। अच्छा, आगे कार्रवाई कर, क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? आज एक कार्रवाई होगी। सरकार गिराने की साजिश थी कल, ऐसा आपकी तरह ही जीतनराम मांझी जी को, मुकेश सहनी जी को भी फोन आया था। मुझे आज डोमेन में आया है बताने, मुझे कंफर्म नहीं बता सकता, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं किसी काफी व्यस्त हूँ, ये सब मेरे डोमेन से बाहर की बात है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले 48 घंटे से जो है लगातार लालू यादव का वायरल ऑडियो जो है वो सुर्खियों में है। लगातार हमले बोले जा रहे हैं, बीजेपी बेहद आक्रामक है इस मामले पर, क्योंकि लालू यादव ने नीतीश सरकार को गिराने की पूरी साजिश रच ली थी। विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर के होने वाली वोटिंग में बीजेपी के विधायकों को एब्सेंट रहने के लिए कहा गया था। इसी मामले पर जो है अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर लालू यादव के खिलाफ पटना के निगरानी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।